देखते हैं कि कौन सी सेलिब्रिटी आएगी अपनी किस बिजनेस के साथ. देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. एक ऐसी सेलिब्रिटी जो आपको ड्रामों में नजर आती रही, आपको एंटरटेन करती रही अपनी एक्टिंग से, फिर अपने गाने से आपके कानों में सुर घोलती रही, और अब वो इतनी फिक्रमंद है आपकी स्किन के लिए कि उन्होंने स्किन प्रोडक्ट लॉन्च की है ट्रूली कोमल के नाम से. कोमल रिज़वी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम. हाउ यू नदा? बिल्कुल ठीक. आप सुनाएं, आप भी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह. कुछ ना कुछ करती रहती है, लगी रहती है. यस यस. आई मैं बैठ नहीं सकती फारिग. मैं कॉन्स्टेंटली सोचती हूँ. मैं तो सोती भी नहीं हूँ. मैं रात में इतनी मुश्किल से सोती हूँ बिकॉज मेरा ब्रेन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ट्रूली कोमल क्योंकि इस पे मैं ओवरऑल 2 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन 1 साल से मैं बिल्कुल डाइव मार लिया मैंने उसके अंदर. मतलब सारे गाना शाना एक्टिंग वैक्टिंग ये सब थोड़ा. नहीं नहीं, मेरे टूर्स भी चल रहे हैं. अभी अगस्त में मैं फिर यूएस जा रही हूँ. अभी मैं मई में यूएस में फिर टूर किया था मैंने. अभी अगले महीने मेरा नया गाना आ रहा है. तो गाना चल रहा है, एक्टिंग ने थोड़ी सी बैक सीट ले ली है बिकॉज यू नो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. आई नो. लेकिन बीच में दोबारा कोशिश की थी कोमल ने एक्टिंग करने की, फिर मुझे लग रहा है कि ये थक गई यार. वो मैंने एक ड्रामा सीरियल का वो किया था, अच्छा रोल आता है तो मैं कर लेती हूँ. अच्छा. यू नो बट लाइक थर्ड वाइफ या बहुत जुल्म हो रहा है. हाँ. या कोई ऐसा रोल जो लाइक आई डोंट नो, आई एम गेटिंग रियली वियर्ड रोल ऑफर्स. अच्छा. कोई अच्छा रोल ऑफर करे तो मैं शायद सोचूंगी. बट राइट नाउ माय फोकस इज ट्रूली कोमल. अच्छा. क्योंकि आई डोंट नो, बचपन से मुझे ऑब्सेशन है स्किन केयर से. निदा बिलीव यू मी, जब लड़कियां अपने बैग्स के लिए पैसे सेव कर रही होती थी, अपना पॉकेट मनी सेव कर रही होती थी शूज के लिए, कपड़ों के लिए, मैं उस वक्त भी स्किन केयर के लिए अपने पैसे सेव करती थी. वैसे बाकी कोमल तुम्हारी स्किन हमेशा बहुत अच्छी रही. थैंक यू. मैंने नोट किया है क्योंकि लड़कियां अपना ख्याल नहीं करती. कोमल के हाथ देखो तो हाथ की स्किन बहुत अच्छी. मैं हमेशा की बात अगली हैंड्स नहीं, लेकिन मैंने तो देखे हमेशा तुमने उसका बहुत ख्याल रखा है. yeah. तो तुम तब से ही, तुम लाइक बचपन से ही तुम्हें शौक था कि स्किन अच्छी. बहुत शौक है स्किन केयर प्रोडक्ट्स का. रात में स्पेशली सुबह जो मेरी रूटीन है वो मैं किसी हाल मिस नहीं करती हूँ. क्या है वो? सो आई वॉश माई फेस, एंड ये बाय द वे सबको करना चाहिए. ऑल स्किन टाइप्स शुड डू दिस. दे हैव टू वॉश देयर फेस with a face wash, हाँ. not with soap, unless it's a face soap. हाँ. ठीक है? और face soap, I don't think Pakistan में मिलते हैं, right? जहाँ तक मेरी knowledge है. हाँ. face wash जो है वो according to your skin type होना चाहिए. gel based हो अगर आपकी oily skin है, moisturizing face wash हो अगर आपकी dry skin है, यारा यारा यारा. right? उसके बाद now ये step जो है ये पाकिस्तान में अवेयरनेस, मैंने रिसर्च बहुत की है. अच्छा. टेस्टिंग बहुत की है. इस स्टेप की अवेयरनेस बहुत कम है. फेस वॉश के बाद आपका एकदम से स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है. राइट? बिकॉज वाटर इज काइंड ऑफ आयरॉनिकली इट ड्राइज अप योर स्किन बिकॉज ऑयल्स नहीं होते हैं उसमें. एग्जैक्टली. तो और आपने सोप किया हुआ होता है, तो ड्राइंग के बाद अगर आप डायरेक्ट मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो आपकी वो डीप डर्मिस में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपकी स्किन ड्राई हो चुकी है. उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए, ताकि वो अब्सॉर्ब करे मॉइस्चराइजिंग के बेनिफिट्स, आपको सिरम लगाना चाहिए. और जितना और सिरम बेसिकली, दिस इज माई सिरम बाय द वे. दिस इज अ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड सिरम. मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी बट बेसिकली मैं अभी जनरल सिरम्स के बारे में आपको बता रही हूँ. सिरम जो है वो हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड, सुपर कॉन्सेंट्रेटेड, आई डोंट नो हाउ यू से दैट इन उर्दू, लेकिन जैसे कि लोग कहते हैं ना रोज क्रश करके लगा लो या स्ट्रॉबेरी क्रश करके लगा लो. यस, नेचुरल चीजों से आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा I don't know how to say it. इतना ज्यादा फायदा might not be the right word, but आप ये सोचें कि मैंने 100 स्ट्रॉबेरी. फॉरन फायदा नहीं है, एकदम टाइम लगता है करने नहीं, में. नहीं 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 नहीं. स्ट्रॉबेरीज लगाने से आपको थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन तुम अगर ये सोचोगे, फर्ज करो मेरे पास 100 स्ट्रॉबेरीज हैं. हाँ. स्ट्रॉबेरीज के अंदर विटामिन सी होता है. विटामिन सी को एलस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं. वो मैंने लैब में एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो केमिकल. हाँ.
और मैंने 100 स्ट्रॉबेरीज का एक्सट्रैक्ट करके उसको हाइपर कॉन्सेंट्रेट करके एक बॉटल में डाल दिया. हाँ. तो अब आपको एक स्ट्रॉबेरी मलने से ज्यादा फायदा होगा या सिरप. सो दैट्स व्हाट आई मीन दैट दीज आर फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स विच आर स्पेसिफिकली फॉर योर स्किन. ठीक है, यस, दही लगाने से फर्क पड़ता है, शहद लगाने से फर्क पड़ता है, नींबू लगाने से, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर कंपनी का रिलायबल ट्रस्टवर्दी ऑनेस्ट अगर आप प्रोडक्ट लें जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है, विटामिन ए भी है, और भी बहुत है, रोज लाइक जैसे मेरे सनब्लॉक में रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, कैमोमील. प्रोडक्ट्स हैं क्या क्या, जैसे तुमने सीरम का जिक्र किया अभी. सो फर्स्ट स्टेप इज सीरम. ओके, आफ्टर यू वॉश योर फेस. एंड माय सीरम फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान मैं लेके आई हूँ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड सीरम. एंड स्टेम सेल्स आर अमेजिंग बिकॉज व्हाट दे डू इज सेल्स को आई डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट वो स्टेम सेल्स जो है एग्जैक्टली वो डायरेक्टली जाके आपके उनका इंस्टिंक्ट होता है कि वो आपका जो प्रॉब्लम एरिया है वो सॉल्व करें. अच्छा, स्टेम सेल्स जैसे ये सीरम अगर हम पूरे मुंह पे लगाएंगे. हाँ, पूरे मुंह पे, नेक, डेक्लोटाज, एवरीथिंग. एंड वो ऑटोमेटिकली सीरम 2-3 ड्रॉप्स, नॉट टू मच, वो जाके आपका जो प्रॉब्लम एरियाज हैं वो जहां पैची स्किन है, ड्राइनेस है, वो ड्राइनेस, फाइन लाइंस, यू नो, डलनेस. और चूंकि ये ग्लो सीरम है तो आपकी अंदर से श्वाएं निकलेंगी. अगर आप ये पूरा 4 हफ्ते लगा लेंगे यू नोटिस अ ड्रामेटिक डिफरेंस इन योर स्किन. वेरी नाइस. इसके बाद आपकी स्किन ओपन हो जाएगी, अंदर 7 लेयर्स पूरे ओपन हो जाएंगे फॉर द मॉइस्चराइजर. नाउ दिस इज माई नरिशिंग व्हाइटनिंग क्रीम. नाउ आई डोंट लाइक यूजिंग द वर्ड व्हाइटनिंग. एक्चुअली इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको वो डीप हाइड्रेशन देगा, आपके फाइन लाइन्स सारे एड्रेस होंगे क्योंकि आपको मॉइस्चराइज करेगा स्किन. और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, इवन ऑयली स्किन टाइप्स, एक्नी स्किन टाइप्स, everybody can use this cream. Achha. Now, the reason I'm using the word whitening is because a lot of people have dark patches on their skin. They have blemishes. Because on, of dryness. Dryness kah lo, age kah lo, acne scarring kah lo, by birth some people have combination skin. They have, jaise meri skin jo hai wo normal hai, lekin phir bhi mere ye area और मेरा ये एरिया हल्का सा डार्क है. अच्छा, नो बडी, लाइक वेरी फ्यू पीपल आर ब्लेस्ड विद लाइक फ्लॉलेस वन टोन स्किन. ठीक है, तो इसका काम ये है कि दिस इज गोइंग टू मेक इट फ्लॉलेस. फ्लॉलेस, यस. यू जस्ट हैव टू यूज इट ट्वाइस अ डे रिलीजियसली. अच्छा, एंड देन ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, ओके, इज अ सन ब्लॉक. बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, और यहाँ इतना फोकस ही पाकिस्तान में इससे सनब्लॉक पे फोकस ही नहीं कोई करता. सनब्लॉक इज ये लग्जरी समझी जाती है. यस, हमारे यहाँ जो सनब्लॉक मिलते हैं मैं नाम नहीं लूंगी, उनको आप लगाएं आपका चेहरा व्हाइट हो जाता है. ये इमल्शन बेस्ड सनब्लॉक है, इंस्टेंटली अब्सॉर्ब कर जाता है, नो ऑयली रेजिड्यू. प्लस इसमें मैंने बहुत मजे मजे के एक्सट्रैक्ट्स डाले हुए हैं. मैंने आपको पढ़ के सुनाती हूँ. देयर इज jojoba extract, there is cinnamon extract, aloe vera extract, rosemary extract. It's just beautiful. It's beautiful. Wow. Achha, ek misconception, Nida. Ha. Jo ke main aapse poochungi. Ha. Nida jo hai, she's like a modern woman, she's beautiful, she takes care of her skin. Lekin ye tumhe bhi nahi pata hoga. Ha, poochho. Sunblock SPF 50 aur Sunblock SPF 100 mein kya fark hai? मुझे तो यही बताया गया कि पाकिस्तान में क्योंकि ज्यादा श्वाएं हैं तो 50 भी कम है, 80-100 हमें इस्तेमाल करना चाहिए. yeah. क्योंकि वो ज्यादा प्रोटेक्शन देता है. या सो यू आर राइट, बट इसकी डिटेल में मैं अगर जाऊं तो एक तरह से आपको ये बेवकूफ बनाना हुआ, क्योंकि सन जो है यूवीए यूवीबी जो हार्मफुल रेज हैं उनसे क्या इफेक्ट होता है वो ये नहीं बताते. ठीक है, वो कहते हैं कैंसर हो जाएगा भाई. यूजुअली जो साउथ एशियन स्किन टोन्स हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेश, हम लोगों की इतना थिक स्किन है कि हम मोटी चमड़ी है, दैट कैंसर होने के चांसेस लो हैं.
बिकॉज वी हैव थिक स्किन. हाँ, लेकिन सन से हमें क्या होता है, पिगमेंटेशन होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, हमारी स्किन अजीब अजीब तरह से टैन हो जाती है, लेदरी हो जाती है. अर्ली एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग जो सबको फिक्र रहती है कि भाई फाइन तो हमारी इतनी उम्र नहीं, उसको तो देखो चार बच्चों की माएं लगती ही नहीं है. यस, एंड दिस इज द रीजन कि कॉकेशियंस जो गोरे लोग हैं वो जल्दी एज कर जाते हैं, उनकी पतली स्किन की पतली स्किन होती है और वो धूप में लेटे रहते हैं. हाँ, शॉक से. तो और हम लोग बचते रहते हैं और हम नकाब कर लेते हैं, हम छतरी ले लेते हैं, हम बुक्स रख लेते हैं. आई टेक केयर ऑफ इट बिकॉज ऑफ द नॉट बिकॉज ऑफ टैनिंग बट बिकॉज ऑफ अर्ली एजिंग एंड इट्स नॉट हेल्दी फॉर द स्किन. लेदरी स्किन हो जाती है. वो खवातीन जो जॉब करती हैं बस के लिए खड़ी होती हैं बस स्टॉप पे, आप देखा करें कि जॉब करने की वजह से नहीं होता, वो आने जाने ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो उनकी स्किन मुरझा जाती है. exactly. उनके पास ना इतना पैसा ना टाइम होता, स्किन हो जाती exactly. है, डलनेस आ जाती है, बहुत लाइक बहुत आपकी पर्सनालिटी जो है वो सन बिगाड़ देता है. इनफैक्ट मेरे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं जब आप कहीं भी जाएं, आप गाड़ी से उतर के जब आप एंटर होते हैं घर में, आपको सन डैमेज कर चुकी है ऑलरेडी आपकी स्किन, क्योंकि आप गाड़ी में भी तो बैठे हैं, वहाँ भी तो सन है ना. एग्जैक्टली, खिड़कियों से आ रहा है. तो सुबह उठ के मुंह धो के कुछ ना करें, आप सिर्फ सनब्लॉक लगा लें. अच्छा, बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, एसपीएफ 50 जो है वो 98% आपकी यूवीए यूवीबी रेज ब्लॉक करता है, यानी 98% ब्लॉक हो गई. अच्छा, एसपीएफ 199% ब्लॉक करता है और पैसे आप देते हैं डबल. तो अगर आपके पास है पैसे तो बेशक एसपीएफ 100 यूज करें. मेरे पास तो हर किस्म का सनब्लॉक है, आजकल मैं ट्रूली कोमल लगा रही हूँ. बट अगर आप इकोनॉमिकल होना चाह रहे हैं या पैसे सेव करना चाह रहे हैं, हाँ, तो एसपीएफ 50 इज इनफ फॉर प्रोटेक्शन. वही तो मैं कह रही थी, जब यहाँ के डर्मेटोलॉजिस्ट से वो कहते हैं नहीं जी ये तो 50 तो काफी नहीं है, बाहर सारे जगह 50 मिलता है या 30 होता है, 50 होता है, 100 नहीं देखा मैंने. ओह यस, एंड वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू, आपके मेकअप प्रोडक्ट्स में जो एसपीएफ 15 एसपीएफ 20 लिखा है ना, वो भी बेवकूफी है. इसका मतलब मेकअप जब मैं करूं तो उसके नीचे भी सनब्लॉक लगाऊं? नहीं नहीं नहीं, मेकअप प्रोडक्ट जैसे आप फाउंडेशन लें, मैं यही सोच के, मैं यही उल्लू बन के और मैं सनब्लॉक ही लगा के आती. नो 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 नो, दिस इट्स कंप्लीटली, मेकअप में तो है. नो नो नो, 15 एंड 20 इज लाइक नॉट पुटिंग एनीथिंग. सो आई मीन इट्स वेरी मिनिमल प्रोटेक्शन. इसका मतलब है कि सुबह उठ के सबसे पहले हम कोमल का जो है वो फेस वॉश इस्तेमाल करें. फेस वॉश मेरा दिसंबर में आ रहा है. दिसंबर में आ रहा है. क्रीम पहले ले आइए, सीरम पहले ले. देखो द थिंग इज दैट फेस वॉशेस यहाँ अवेलेबल हैं बहुत ही अच्छी तादाद में, और स्टेम सेल सीरम इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, स्पेशली गुड क्वालिटी ऑनेस्ट सीरम्स जो है वो नहीं है पाकिस्तान में. कोई बात नहीं, पहन लो, पहनती यही होता है जब बड़ी मक्खी आप पहन के घूमे. By the way, this jewelry बहुत अच्छी लगी. मैं बार बार मेरा दिमाग और मेरी आंखें इधर उधर जा रही है बार बार. मेरे पास एल्योर जो है वो मेरी साइट पे है, एंड आई लव एल्योर का ज्वेलरी. आई लव इट, वो इतनी क्रेजी फंकी ज्वेलरी बनाती है. सो आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद देयर स्टफ. Thank you, Hiba. So yeah, and then obviously the moisturizing cream, I've noticed that yahan do categories ki moisturizing creams hai. Ek jo bahut expensive hai aur ek jo bahut sasti hai, 400-500 rupaye ki hai, usme bleach dala hua hai aur toxins hain. Acha, toxins mein abhi Google pe maine toxins ka Urdu ka translation kiya, and it is jarasimi zeher. Jarasimi zeher. तो आपके जिस्म में जितने भी जितना आप, बिकॉज आपकी जो स्किन है वो आपकी जिस्म का लार्जेस्ट ऑर्गन है. राइट, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी. जितना आप जरासीमी जहर अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो अपनी स्किन के थ्रू ज्यादातर अब्सॉर्ब कर रहे हैं. सो टू टेक केयर ऑफ योर स्किन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, योर बॉडी लकीली इज प्रोटेक्टेड. यू नो, नहाने के बाद आप कोकोनट ऑयल लगा लें या आमंड ऑयल लगा लें ताकि आपकी बॉडी मॉइस्चराइज रहे. ऑयली स्किन है तो यू डोंट रियली नीड मच, बिकॉज धूप में निकले तो वैसे ही यू नो इट बिकम्स लाइक क्वाइट क्रीसी. बट यू कैन पुट लाइक जेल बेस्ड लाइक एलोवेरा ऑन योर बॉडी और स्टफ लाइक दैट टू कीप इट मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड. बट स्किन केयर क्रीम्स आर लाइक बाय फार, लाइक मैंने ये फॉर्मूलाज
एक पूरी टीम केमिस्ट्स की कनाडा में और कनाडा के सबसे सख्त रूल्स हैं अबाउट स्किन केयर. अच्छा. फॉर्मूलाज मेरे कनाडा में डेवलप हुए. हाँ. फिर मैंने वो फॉर्मूलाज उठाए और मैंने सोचा कि मैं यहाँ डेवलप करूंगी. यहाँ जो है वो किसी के पास वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं थे जो मेरे फॉर्मूला में थे. हाँ. फिर मैं यूरोप गई, मैंने ढूंढा लैब. ये पूरे जो प्रोडक्ट्स हैं ये मेड इन स्पेन है. और जो लैब मेरे प्रोडक्ट्स बना रही है, मैं नाम नहीं लूंगी ब्रांड्स का, बाहर के ब्रांड्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं 15,000, 20,000, 25,000 रुपए के. हाँ. और अभी अभी नहीं बताना, मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी आपको कि ट्रूली कोमल आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं. एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज कोमल हमारे साथ हैं, ट्रूली कोमल प्रोडक्ट्स के साथ. और माशाल्लाह अभी लॉन्च हुई है. ये लॉन्च हुई है फ्राइडे को. अच्छा, अब हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या है इसकी प्राइस रेंज और हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, क्या किस्तों पे मिलेगी कि नहीं. क्या क्या है? ओके, सो दिस इज अ रियली ग्रेट क्वेश्चन बिकॉज ये जो है 1800 का है सिरम जो है. सिरम. हाँ. और इसको मैंने कम प्राइस में इसलिए रखा है क्योंकि सिर्फ 15 ml है. हाँ. लेकिन इसको आप सिर्फ 2-3 ड्रॉप लगाएं. अच्छा. ज्यादा नहीं. और हमें ये एक दफा यूज करने में लाइक पूरा ये खत्म हो, पूरा कोर्स इसका. हाँ. वो करने में हमें फर्क पता चलेगा स्किन पर? आपको एक हफ्ते में फर्क पता चलेगा. मेरी दोस्तें जो हैं, मेरी अम्मी जो हैं, वो 4 दिन बाद कह रही थी कि ये इट वर्क्स. मैंने कहा क्या मतलब इट वर्क्स? मेरी दोस्तें. मेरी अम्मी कह रही है वाओ बेटा ये तो वाकई में. मैंने कहा क्या मतलब है आपका? घर की मुर्गी दाल बराबर. अच्छा. एंड देन द क्रीम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स यू कैन यूज इट अंडर मेकअप, यू कैन यूज इट इफ यू आर प्रेग्नेंट, यू कैन एवरीबडी. इट्स जस्ट अमेजिंग. हर किसी के लिए, हर स्किन टाइप के लिए. यानी कि अगर आप 4-5 बहने हैं एक क्रीम खरीदे तो वो शेयर कर सकती है. कैन शेयर इट इवन. दैट्स अ गुड आइडिया बाय द वे. इफ यू कांट अफोर्ड इट यू कैन शेयर इट. लेकिन ऑब्वियसली जल्दी खत्म हो जाएगा. एंड दिस इज फॉर 3200. ठीक है. लाइक 2199. एंड देन दिस इज फॉर 2500 बिकॉज सनब्लॉक. ये मैंने कोशिश की थी, मेरा इसमें बहुत कम मार्जिन है क्योंकि ये बहुत फैंसी सनब्लॉक है. लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सब खरीदें, इसलिए मैंने इसको 2500 का रखा है. लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जुलाई 15th तक, 15 जुलाई तक, अगर आप प्रोमो कोड स्किन लव मेरी वेबसाइट पे डालेंगे www.trulykomal.com, trulykomal.com पे आप जाएंगे, आप स्किन लव प्रोमो कोड मेरे कार्ट में डालेंगे जो चेकआउट कार्ट होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली 15% ऑफ मिल जाएगा. 15%. जबरदस्त. So this is the thank you. This is the introductory discount जो मैं दे रही हूँ. अच्छा, अभी स्किन केयर प्रोडक्ट में तुम 3 चीजें लेकर आई हो. यस. और तुम कह रही हो फिर आगे चल के फेस वॉश भी है. मेरा बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर 2 और बहुत जो बेसिक स्किन केयर रिजीम के मस्ट, एब्सोल्यूट मस्ट हैव्स हैं, एक फेस वॉश और स्क्रब. फेस स्क्रब पाकिस्तान में मैंने कहीं लोकली मेड अच्छा नहीं देखा है. वो बहुत या तो सख्त होता है और आपके स्कारिंग हो जाती है, टिश्यू डैमेज हो जाता है. हम ही अपने शो पे टोट के बता रहे थे चावल के आटे को पीस के मुंह पे लगा लें, शक्कर को लगा लें, सॉल्ट स्क्रब, शुगर स्क्रब, ये भी बहुत अच्छे हैं. लेकिन एवरीवन, सबके पास टाइम नहीं होता कि वो बैठ के दानेदार शक्कर ढूंढे और उसमें शहद मिलाएं. यू कैन डू दैट टू. एक्सफोलिएशन जो है वो बहुत 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 जरूरी है, स्पेशली जिनकी एक्ने है, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है. जब तक कितने दिन बाद करनी चाहिए एक्सफोलिएशन? देखो, मैं रोज करती हूँ बिकॉज मेरा जो स्क्रब है वो बहुत फाइन है. इट डिपेंड्स आप कौन सा स्क्रब यूज कर रहे हैं, कोई रूल नहीं है. अगर आपकी जैसे आप तुम जाओगी मेकअप उतारोगी, हाँ, तो तुम क्या करोगी सबसे पहले? नो, मैं तो सुबह स्क्रब कर लिया था धोने के बाद. करती हो उठने के बाद? इसलिए क्योंकि आप जब डेड स्किन सेल्स जो ऊपर जो एक तय होती है डेड स्किन की,
वो जब आप निकालते हैं तो आपका मेकअप स्मूथ अप्लाई होता है। ओ, यानी कि आप स्क्रब पहले कर लें फिर आप मेकअप करेंगे तो आपको एक ग्लो, क्योंकि ना लोग मेकअप थोप लेते हैं लेकिन उनको वो उनका वो खुरदुरी सी एक स्किन होती है, मजा नहीं दे रही होती। या, 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 तो फॉर स्मूथ मेकअप एप्लीकेशन यू हैव टू स्क्रब योर स्किन। इफ यू हैव एक्नी, इसका मतलब है आपका जो पोर्स है वो ब्लॉक हो रहे हैं, एक्सेस सीबम डेवलप हो रहा है तो पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं, तो आप जब तक स्क्रब नहीं करेंगे आपकी एक्नी होती जाएगी होती जाएगी। यू हैव टू स्क्रब योर स्किन। नाउ इफ यू हैव ग्रेट स्किन डू इट वंस अ वीक, हफ्ते में एक दफा अगर अच्छी स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है डू इट मोर। तो मेरा स्क्रब और फेस वॉश आ रहा है, फेस वॉश मेरा लाइटनिंग ब्राइटनिंग है और उसमें रियल वाइल्ड रोज एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि एंटी एजिंग में है। सो इट्स अ रियली गुड फेस वॉश, आई एम सो एक्साइटेड, वेरी मजेदार, आई एम वेरी एक्साइटेड। यू नो व्हाट, मैंने इन पे बहुत मेहनत की है, इन प्रोडक्ट्स पे। मैंने ऐसा नहीं किया कि यहाँ से मंगवाया बेच दिया। नहीं नहीं, तुम क्वालिटी पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करते। नो वे। और पैकेजिंग भी बहुत क्यूट है। थैंक यू, मैंने डिजाइन किया। तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले? फुल इसकी मैचिंग की तुम्हें डाई कराए हैं क्या या ढूंढे हैं? इतनी सुबह बुलाओगी तो ये होगा। मैंने कहा मुझे पिंक पहनना है, पिंक पहनना है, मुझे ये जंप सूट मिला। मैंने कहा ओके आई विल वेयर दिस जंप सूट, एंड देन आई वाज लाइक दिस जंप सूट इज लाइक एग्जैक्टली लाइक माय ब्रांड कलर। इनफैक्ट माय नेल पॉलिश इज आल्सो लाइक माय ब्रांड कलर। सो अच्छा, आगे चल के तुम्हारा इरादा है कि कुछ हैंड क्रीम, फुट क्रीम, स्किन केयर, मेकअप, बॉडी केयर, मेंस केयर, सबसे जरूरी है बेबी केयर। बेबी केयर भी तुम सोच रही हो कि तुम निकाल ले? सोच नहीं, करूंगी मैं इंशाल्लाह। बेबी केयर, एंटी एजिंग की लाइन निकालूंगी। ये तो ग्लो लाइन है मेरी। मैं एंटी एजिंग लाइन निकालूंगी, मेंस लाइन, बेबीज लाइन, एंड देन बॉडी केयर, शैम्पूज। सारे शैम्पूज बहुत हार्ड हैं, आपको ड्राई कर देते हैं, लकड़ी जैसे बाल कर देते हैं। फेस ऑयल्स, अच्छा मल्टी वाइटामिन स्किन केयर है क्या? आप अगर अच्छी स्किन है और आप ये सब नहीं लगाना चाह रहे हैं तो मैं एक ऐसी चीज डेवलप करी हूँ। आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस, दिस इज लाइक प्राइवेट स्टफ। कोई और चीजिंग ना कर ले, पता चले ट्रूली कोमल से पहले कुछ और ट्रूली निकले। एग्जैक्टली, यू नेवर नो, यू नेवर नो। सो ट्रूली कोमल, बाय द वे, मैंने इसलिए नाम रखा था, हम लोगों ने एक हफ्ते तक अपना सर मारा। मैं चाह रही थी कि एक पॉप स्टार म्यूजिकल टाइप का स्किन प्रोडक्ट का नेम हो, लेकिन वो बहुत बेवकूफी, कोई मैच नहीं कर रहा था। तो और मैं चाह रही थी, अच्छा नाम है ट्रूली कोमल, यू लाइक इट? आई लाइक इट, क्योंकि वो वाकई के कोमल अंदर से शुरू से चाहती थी कि मैं स्किन सच्ची में सॉफ्ट, सच्ची में सॉफ्ट हो मेरी स्किन और अपना ख्याल रखती थी। तो जो इंसान का जो शौक होता है जब वो प्रोफेशनली करता है तो फिर वो उसमें बहुत एक्सेल करता है। आई होप सो। एंड हम लोग सोच रहे थे कि इंग्लिश नाम रखें, पूरा इंग्लिश मैं रखना नहीं चाह रही थी क्योंकि आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। अच्छा, या पूरा उर्दू रखें तो इंशाल्लाह जब मैं एक्सपोर्ट शुरू करूंगी तो लोग उर्दू इंग्लिश हो गया ना, ट्रूली इंग्लिश। कोमल तो पाकिस्तानी नाम है, कोमल का मतलब है सॉफ्ट, सॉफ्ट कोमल, कोमल कोमल कोमल, क्या नाम सूट कर गया। मैं वही कह रही हूँ, सही सूट कर गया स्किन केयर प्रोडक्ट पे कोमल। आपकी कोमल तवज्जा करा, आई स्वेयर इट वाज लाइक डेस्टिनी। आई कांट बिलीव इट बिकॉज लाइक आई लुक बैक एंड आई थिंक कोमल तो वैसे स्किन के लिए यूज होता है नेम, बट सो आई जस्ट फील लाइक अल्लाह चाहते थे कि मैं इवेंचुअली स्किन में ही आऊँ, बट अब मुझे स्किन का ट्रिपल ख्याल रखना पड़ रहा है। और क्या कि भाई खुद की स्किन जो जो बेच रही है उसकी स्किन तो एग्जैक्टली, तो कभी दाना नहीं होने देना। और बहुत ख्याल बहुत अच्छा, तीन टिप्स तुम दोगी खाने पीने के लिए कि स्किन कैसे अच्छी रहे। प्रोडक्ट्स तो तुम्हारी है ही सपोर्ट करने के लिए स्किन को, लेकिन अगर आप खाते पीते हैं वो आपकी नजर आता है। देखो 80% ऑफ योर स्किन, 80% आपकी जो स्किन है, जो आप खाते हैं, जिस तरह आपका लाइफस्टाइल है वो है। तो ये जो है, दीज आर थिंग्स दैट हेल्प यू ऑन टॉप ऑफ योर लाइफस्टाइल। ओके, आप एक्सरसाइज करना मस्ट है क्योंकि एक्सरसाइज करने से स्किन अच्छी होती है, रौनक आती है, बहुत अच्छी होती है, वाटर रिटेंशन कम होती है, पफिनेस कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, प्लस आपके जो जरासीमी जहर है यानी टॉक्सिन्स वो रिलीज होते हैं पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बहुत वाइटल चीज ये है, पानी।
पानी, आपको फिल्टर पानी लाजमी स्पेशली गर्मियों में बहुत 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 पीना है चाहिए। एवरीबडी नोज पानी पीना है, लेकिन मैं आपको एक टिप बताती हूँ, दिन में ज्यादा पानी पीना है, रात में पीना है आई मीन, बट दिन में बिकॉज आप एक्टिव होते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स दे नीड टू स्टे बैलेंस्ड, यू नीड मोर वाटर डे टाइम। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सारा दिन लोग काम में बिजी रहते हैं, सारा दिन पानी नहीं पीते, रात में पी रहे होते हैं। यस, तो आप कह रही हो दिन में ज्यादा अच्छा है, दिन में ज्यादा पिए, रात में ब्लोटिंग हो जाती है ज्यादा पीने से। अच्छा, बिकॉज वो पानी सिट करता है, आप सो जाते हैं तो वो थोड़ी ब्लोटिंग हो जाती है। डिपेंड्स ऑन योर बॉडी ऑल्सो, किस तरह आपका मेटाबोलिज्म काम करता है। बट द अदर थिंग दैट आई वुड रिकमेंड इज अ लॉट ऑफ पीपल से फ्रूट्स, लेकिन फ्रूट्स शुगर में बहुत हाई होते हैं, तो आप फ्रूट्स की मिकदार जो है वो समझ लें, आप देख के खाएं, राइट? बेरीज, स्ट्रॉबेरीज नहीं मिलती हैं यहाँ, वाटरमेलन इज लो इन शुगर, इस तरह के फ्रूट ज्यादा खाएं, मैंगो, बनाना, चीकू, ये सब थोड़ा कम मिकदार में खाएं। लेकिन वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेजिटेबल्स जो है अच्छी स्किन के लिए, सब्जियां जो हम तो जला के भुना के खाते हैं, भिंडी है तो भुनी हुई है। मैंने अपना घर का पूरा ट्रेडिशन ही चेंज कर दिया है, बिकॉज हमारे यहाँ पहले वही स्टाइल, ट्रेडिशनल स्टाइल, वो पकड़ी है पकड़ी है पकड़ी है पकड़ी है, और सब्जी का कलर ही नहीं नजर आ रहा है, सब ब्राउन है, काला करेला, काला, और मनो तेल में वो स्विम कर रही है, ओलंपिक मेडल जीतने की कोशिश कर रही है भिंडी जो है ना। हमारे घर में तेल बिल्कुल खत्म हो गया है, हम सिर्फ एवोकाडो ऑयल या ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में पकाते हैं, अनलेस के हमारे यहाँ जैसे कोई मेहमान आ रहा है, फिर हम असली घी यूज करते हैं या मक्खन यूज करते हैं। अच्छा, ऑयल आई डोंट केयर आपको क्या एड्स नजर आ रहे हैं, ओके, एंड आई होप नथिंग नोबडी स्पॉन्सरिंग द शो, लेकिन ऑयल्स आर वेरी बैड फॉर यू, प्लीज स्टॉप यूजिंग ऑयल इन योर फूड। आप एवोकाडो ऑयल यूज करें, आप जैतून का तेल यूज करें, कोकोनट यूज करें कम मिकदार में, और प्लीज जरूरी नहीं है अब बच्चों को आप देसी घी में पका के खिलाएं, अगर उनको कोई फैट मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम नहीं है, या मक्खन में खिलाएं, डोंट यूज ऑयल, वेजिटेबल ऑयल इज स्पेशली जो हमारे जो कनस्तरों में जो आता है, समझ लें जहर, yeah, so oils are also one very important thing, and the second very important thing jisme main maar kha jati hu wo hai sugar, like white sugar safed shakkar nahi khani chahiye, shahad kha le, khajur kha le, usse asli maple syrup से आप स्वीटन कर लें। मैं अपनी चाय में स्टीविया डालती हूँ, मैं 3 साल से स्टीविया से ही अपनी चीनी छोड़ दी है, चीनी मैंने छोड़ दी है, लेकिन मुझसे वो जो जब सामने चॉकलेट केक आ जाता है, वो नहीं छोड़ा, आइसक्रीम आ जाती है, तो देन आई एम लाइक आई डोंट लाइक स्टफ माई फेस विद इट, लेकिन इट्स वेरी। मैं जाने से पहले तुम्हारी ये दिखा दूं तेरा प्रोडक्ट, यस, कि ये है सिरम, ताकि लोगों को याद रहे ना कि ये सिरम है, और इससे क्या फायदा होता है, आप यंग लगते हैं, झुर्रियां खत्म, ग्लो, हाइड्रेशन, और आप मॉइस्चराइजर का डबल फायदा होता है, डबल फायदा होता है, ठीक है। और ये मुंह धोने के बाद लगाते हैं, ये मुंह धोने के बाद लगाएंगे, सबसे पहले ये लगाएंगे, उसके बाद ये लगाएंगे। अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम डायरेक्ट लगा लें, इससे आपकी पिगमेंटेशन ठीक होगी, आपकी डार्कनेस खत्म होगी, आपकी डीप हाइड्रेशन होगी, फाइन लाइंस जो हैं वो उसको एड्रेस करेंगे, एंड इट्स जस्ट फैबुलस। और ये उसके बाद जब आपने बाहर निकलना है या चूल्हे के आगे भी जाना है तो भी सनब्लॉक लगाएं। चूल्हे के आगे, चूल्हे के खाना पकाने जाते हैं ना, चूल्हे के हंडिया बनाते हैं, दिस इज जस्ट फॉर सन। अच्छा, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि सनब्लॉक हीट से बचाने के लिए, जो आप अगर किचन में भी जा रहे हैं तो आप सनब्लॉक लगा के, ओके, वेल सुबह उठ के आपने कुछ सनब्लॉक लगाना है, बिकॉज इवन पता है ना आपकी विंडो भी खुली हुई है कमरे की, यस, उससे भी श्वाएं आ रही है, तो सनब्लॉक आदत बन जाएगी ना, जरा जरा सा डॉट लगाना होता है वो लगाएं, और अपने आप रोजमर्रा, आज तो मैं मेकअप करके आई हूँ बिकॉज टीवी है, बट एवरी डे आई वॉश माई फेस, एंड इफ आई एम इन अ रनिंग आउट, मेरे बैग में सनब्लॉक रहता है, मैं गाड़ी में लगा लेती हूँ, आदत बना ली। थैंक यू सो मच कोमल, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारी वाकई जो प्रोडक्ट है वो देखने से, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा इसका पड़ा है,
और मुझे पता है कि तुम्हारी चीज जो है वो असली होगी, असली खालिस 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 होगी। अब मैं इसको इस्तेमाल करके मैं भी आपको कुछ दिनों में बताऊंगी रिजल्ट्स, आप भी इस्तेमाल करें और आप मुझे बताएं, मैं कोमल को बताऊंगी कि कैसा इसका रिजल्ट है। थैंक यू, खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कोमल तुम्हें कुछ कहना है अपने फैन से? Just stay happy, stay positive, be good to your elders, be good to your neighbors, be good to your friends, and stay honest. और हम खूबसूरती में गाना शाना तो भूल ही गए। हाँ, next time. Next time. Good morning. झूम के हवा के साथ झूम के हवा।